नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के जियावन पुलिस थाना क्षेत्र के कुंदवार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत लूटी गांव में अवैध रूप से की जा रही गांजे की खेती की सूचना मुखबिर से पुलिस को मिली। सूचना के अनुसार गांव के किसान को अपने खेतों में गांजे का पेड़ लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी के ऊपर मामला दर्ज कर उसके खेत से करीब 4.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है। किसान ने अपने खेत में चोरी छुपे गांजे के पौधे लगाए थे। गांजा का वितरण और उत्पादन पर प्रतिबंध के बावजूद किसान अवैध रूप से इसकी खेती कर रहा था। देश में गांजे की खेती पर प्रतिबंध है, फिर भी लूटी के किसान ने पैसा कमाने के लिए इसकी खेती की। किसान ने खेत में छुपा के गांजे के पौधे को लगाया था। पुलिस ने भनक लगते ही कार्रवाई की और किसान के पास से 4.5 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 43 लाख रुपए से अधिक की राशि गांजे की बताई जा रही है। जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर कुंदवार चौकी प्रभारी जितेंद्र पाठक, जियावन थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम द्वारा लूटी गांव में गांजा की अवैध खेती करने वाले एक आरोपी धर्मराज सिंह गौड़ को गांजे के पौधों सहित गिरफ्तार कर नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल कुंदवार चौकी प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है गांजा लेकर के जा रहा है और इस पे उनके द्वारा मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, मोटरसाइकिल में जा रहा था। तलाशी में लगभग 2.5 किलो गांजे का उसके पास में NDPS का जो है सामान बरामद हुआ था। उससे जब पूछताछ की गई और उसने बताया कि लगभग उसने अपने खेत में 500 पौधे और लगा रखे हैं, तो पुलिस जो है उसकी निशादेही पे वहाँ पर जाके उन पौधों को भी पुलिस ने जब्त किया है। टोटल जो वेट है उसका लगभग 4 क्विंटल से अधिक है। इसमें कुंदवार चौकी में NDPS एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है और जो आरोपी तिलक राज सिंह उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें और भी